इसको जब हैंडओवर किया गया उसके बाद यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने यहां से कई सामान उखाड़ कर लेते चले गए। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए यहां पर एसी लगा हुआ था वो यहां से गायब है, ये उनका ऑफिस था। और इसके अलावा यहां पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, इस कॉन्फ्रेंस रूम से दो एसी गायब हो चुका है। और इसके अलावा जो मुख्य आवास है वहां से भी कई सामान गायब हैं, वहां से सोफा, बेड और उसके अलावा कई ऐसे सामान थे जो गायब हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए यहां से भी एक एसी गायब है, दूसरा एसी यहां से गायब है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है। और हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट चौधरी के निजी सचिव, क्या क्या गायब हुआ है यहाँ से, इस आवास से, इस ऑफिस से? मैंने सुना था, मैं आया था सुशील मोदी जी के साथ भी तो देखा था, और आप सभी मीडिया के लोग भी थे। मैं सुना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आवास खाली किए थे तो टोटी ले गए थे, और यहाँ से जब उप मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो बिल्डिंग ले जाने में उनको नहीं बना, बाकी बिल्डिंग का सारा सामान उठा के ले गए हैं। आपको मैं उधर आप सोफा सेट देखे होंगे, सोफा सेट की क्या हालत है अब हमको समझ में नहीं आता है कि उसी पर तेजस्वी जी बैठते थे, उनके गेस्ट लोग बैठते थे, या वो रिजेक्टेड था तो उसको ट्रांसफ़र किए होंगे, तो ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसके जगह पर जो सोफा सेट आया वो कहाँ गया। इसी तरह आपको एसी के दिखाएं, यहाँ के भी एसी देखिए, यहाँ से भी दो एसी उखड़ा हुआ है, एक एसी हुआ है, एक भी कुर्सी इसमें नहीं है, जो कंप्यूटर वगैरह है वो भी नहीं है। तो स्थिति सब देख ही रहे हैं। मेन बिल्डिंग में हम लोग आए थे और सारा मीडिया लोगों ने देखा था, दो हाइड्रोलिक पलंग था, वो पलंग भी नहीं है, दोनों हाइड्रोलिक पलंग वो भी गायब है। इसके अतिरिक्त सोफा सेट पर वहाँ जाएंगे पूरी जर्जर अस्त व्यस्त स्थिति है, आप देख लेंगे कोई। अब जैसे टीवी वगैरह है, टीवी वगैरह को भी देखिएगा, बड़ा टीवी था जब मोदी जी थे तो बहुत बड़ा टीवी था, अब उसका क्या हुआ देख लीजिए, टीवी रखा हुआ वो भी चालू है कि नहीं है, कि वो भी कबाड़ी के यहाँ से लाया हुआ है, ये टेस्ट करने के बाद पता चलेगा जाँचोपरांत। तो उसी प्रकार से सब आप देख लीजिए स्थिति सारा, देखिए ये दू गो है, बाकी बड़ा वाला सोफा यहाँ से भी गायब है। तो इस प्रकार से टोटल के टोटल जो है, किचन देखेंगे, किचन में आपको फ्रिज गायब है, आरओ गायब है, फ्रिज गायब है, आरओ गायब है, समझे ना। तो ये स्थिति है, और आपको मैं दिखाता हूँ किचन की हाल क्या है वो। हाँ आइए आप एक बार मेन बिल्डिंग की ओर हमको चल के दिखाने की कोशिश करिए कि क्या क्या, चलिए मैं दिखाता हूँ, हुआ है। और ये तो काफी आलीशान मकान है जिसमें तेजस्वी यादव रहते थे, ये तो उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है, तो जाते समय सामान ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वही रहते थे तो करोड़ों के लागत से लगाए थे, सरकार का खर्चा था उनके घर से, उन लोगों को पैसा के थोड़े मुंह है, जब था पैसा आता है, अभी गए हैं ना, अब क्या होने वाला है कि भगवान जाने। तो उन लोगों के तो वही सब कामे है उन लोगों का। तो अच्छा ये जो मेन बिल्डिंग है, हाँ, इसमें से क्या क्या गायब हुआ है आप चल के देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए ना, इधर से चलिए ना, ये मेन बिल्डिंग है, इसमें लोग रहते हैं। हाँ, और यहाँ से अमूमन क्या क्या सामान उस समय जब सुशील मोदी जी के साथ आप आए थे तो क्या क्या सामान मौजूद था तब? बहुत सामान इधर से लगता है बंद हो गया है, चलिए उधर इस गेट से चलते हैं। और ये सब सामान क्यों बाहर में फेंका हुआ? नहीं बता रहा हूँ ना, उनका एक स्टाफ रहता था कल, और सब लोग के सामने उसने कहा कि भाई सोफा जो मिला उधर वो कहाँ से है, तो उन्होंने किसी प्रीतम जी का नाम बताया, और वो प्रीतम जी कौन थे ये हम नहीं बता सकते हैं, जानकारी मिला कि वो कहे कि प्रीतम सर ले गए हैं। अब प्रीतम सर से जब पूछा गया तो बोले कि नहीं नहीं वही रखा होगा, दो सोफा सेट उधर रखा हुआ था, पकड़ाया भी, प्रूफ भी हुआ। अच्छा ये अच्छा तो ये मैक्सिमम हाँ, सामान इसमें से गायब हो चुका है। हाँ वो हाँ आइए ना, ये सब देखा जा रहा है कि कई ऐसे एसी हैं जो पुराना वहाँ पर रखा हुआ है उनके ऑफिसेज के पास, हाँ, वो क्या है?
जाकर चेक कीजिए ना कि चालू है कि नहीं चालू है, कोई ऐसा अथी नहीं है, समझ गए ना, उसमें कोई स्थिति नहीं है, एक भी ऐसा अथी नहीं है। मतलब आप लोगों का ये आरोप है कि जो सामान था जब बंगला खाली किए तो साथ में लेते चले गए? नहीं नहीं, मेरा आरोप नहीं है। हाँ। आप देखिए, हम दिखा रहे हैं, हमारा कोई आरोप नहीं है, हमारा आरोप नहीं है, हमारा आरोप है कि आप देख लीजिए इसमें पूरा भरा हुआ था क्या है। आप मेरा कोई आरोप मेरा नहीं है, आप देख लीजिए, आप आँख से देखिए, देखिए। अच्छा, ये यहाँ पे वो दरवाजा उखड़ा हुआ है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सब देखने का चीज है, देख लीजिए। ये हमारा कोई आरोप नहीं है, हम लोगों का कोई आरोप मतलब नहीं है। जो हालात अभी हैं वो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, कौन ले गए? आखिर में अगर डिप्टी सीएम रहते होंगे तो ये यही है क्या? ये तो नहीं है, इधर देख लीजिए, सबका वही हाल है, ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। ऊपर में मैं ऊपर ले चल रहा हूँ आपको, जिसमें पलंग रखा हुआ था, और पिछले बार आप सभी आए थे तो देखे थे कि हाइड्रोलिक पलंग है, उसको भी देखा था। अच्छा, ये ऊपर है? हाँ, ऊपर रहने के लिए है। हाँ। आइए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से भी गायब हुआ है। पिछली बार जब सुशील मोदी जी दोबारा डिप्टी सीएम बने थे तो इस आवास में पहुंचे थे। हाँ। यहाँ रहने के लिए। हाँ। और इसी में हाइड्रोलिक पलंग था, इसमें हाइड्रोलिक पलंग था इसी जगह, वो हाइड्रोलिक पलंग भी नहीं है, इसमें और बगल वाले में दो हाइड्रोलिक पलंग थे। तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित आवास है, लेकिन इस आवास में ज़्यादातर सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, और कई ऐसा सामान है जैसा कि जो निजी सचिव हैं सम्राट चौधरी के, वो यह आरोप लगा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि पहले जो सामान यहाँ पर लगा हुआ था उसको यहाँ से हटा लिया गया है और यहाँ पे पुराने सामान रख दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि चोरी का आरोप लग रहा है। हालांकि जो शत्रुघ्न हैं वो ये कह रहे हैं कि चोरी कहाँ इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो पहले सामान यहाँ पर था वो अब नहीं दिख रहा है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। ये बताइए दानिश जी, आप भी घूम घूम के देख रहे हैं, क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं इस बंगले में? नहीं, इसके अंदर जो सरकारी संपत्तियां थी उसको यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने ले जाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बेड थे, आपने देखा है कि उस बेड का वाल तो दिख रहा है, लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड का बेस था उसको यहाँ से ले जाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महंगे बेसिन लगे हुए थे, वाश बेसिन लगे हुए थे, जो अधिकार यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। टोटी दिख रही है, इसकी टोटी को ले जाने का काम किया गया है। देखिए, देश में एक बार टोटी चोर प्रचलित हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने सरकारी बंगले से टोटी चुराने का काम किया था। आज उसी की तर्ज पे आज बिहार के अंदर भी एक दूसरा टोटी चोर सामने आया है, जिसने सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है, टोटी तक को नहीं छोड़ा है। बैडमिंटन कार का जो है कोर्ट बनाया गया था, वहां से उसके कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। जितने भी अंदर में जो है फाउंटेन लगे हुए थे, फाउंटेन के लाइट्स को ले जाने का काम किया गया है। दुर्भाग्य है सरकारी संपत्ति को लूटना, और मैं समझ सकता हूं कि तेजस्वी यादव की सोच क्या है, उनकी सोच क्या है, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है, जिस जहां वो बड़े बड़े हैं, जिस सोच में, जिस परिवार में, वहां शुरू से उन्होंने देखा है कि कैसे सरकारी संपत्ति को लूटा जाए। उसी का उदाहरण है कि तेजस्वी यादव ने आज इस सरकारी आवास में रहते हुए जब इन्होंने छोड़ा है तो सरकारी आवास को यहां से लूटने का काम किया। देखिए, यहां पे सामान लगे हुए थे तोड़ दिए गए हैं, आगे आपको दिखाएंगे, सामने एयर कंडीशन है, वहां से एयर कंडीशन को खोल लिया गया है। महंगे महंगे सोफे लगाए गए थे सरकारी पैसे पे, सरकारी भवन में, सरकारी आवास में सारे के सारे सरकारी पैसे से यहां के इंतजाम होते हैं, वहां से सारे सोफे गायब हैं। तो ये दर्शाता है किस प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है कि जब भी मौका मिलेगा आप सरकार में रहोगे, सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को लूटोगे, सरकारी आवास में रहोगे, सरकारी संपत्ति को लूटने का काम करोगे। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को अब ये स्पष्ट हो गया होगा, आज जब इस मीडिया के माध्यम से ये चीजें बिहार की जनता देख रही होगी तो वो अफसोस कर रही होगी कि कभी उन्होंने तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को शासन और सत्ता में सौंपा था। इसलिए अब दोबारा कभी बिहार की जनता ऐसी गलती नहीं करेगी जो इस प्रकार की नीचता की हरकत करते हैं कि टोटी को भी चुरा कर ले जाते हैं।